Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to everyone. Welcome to online class of entrepreneurship. Today we are having our seventh lecture. In previous lecture, we have studied sources of new ideas, methods of generating new ideas, creative problem solving, planning and development. In today's lecture, we will study the process of development. It includes idea generation, idea screening, concept development and testing, business analysis, beta testing and market testing, technical implementation, commercialization, and new product pricing. Starting our lecture, the process of development. And in this, we will see that what is idea generation. Idea generation is often called the fuzzy front end of the NPD, new product development process. जो idea generation होती है, हमने previous lecture में देखा कि ideas को आप किस वे में किस किस सोर्सेस के थ्रू आप जनरेट कर सकते हैं. इसको आप शॉर्ट एनालिसिस के थ्रू आप जनरेट कर सकते हैं, जहां पे आप अपनी स्ट्रेंथ्स को देखते हैं, अपनी वीकनेसेस को देखते हैं, जो आपके पास अपॉर्चुनिटीज आपको अवेलेबल होती हैं उनको देखते हैं और थ्रेट्स को देखते हैं. तो शॉर्ट एनालिसिस एक कम्प्रिहेंसिव प्रोसेस है जिसके थ्रू आप अपना अपने जो बिजनेस है, अपना जो वेंचर है जिसको आप स्टार्टअप करना चाह रहे हैं, उसको आप उसका एनालिसिस करते हैं, ताकि आपको अपनी स्ट्रेंथ्स जो आपको जिनको आप रियलाइज कर रहे हैं एज योर स्ट्रेंथ्स, आप उनको एनालाइज करते हैं, आप अपनी वीकनेसेस के जो पार्ट है उसको देखते हैं, फिर आपको जो अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज नजर आ रही हैं उनको देखते हैं, जो आपके पास थ्रेट्स हैं, जो चैलेंजेस हैं, जो प्रॉब्लम्स आप देखते हैं, तो उनको इन सबको जब आप एनालाइज करते हैं तो वी कॉल इट अ स्वॉट एनालिसिस. तो इसको जब आप एनालाइज कर लेते हैं अपने जो बिजनेस वेंचर है, जो न्यू बिजनेस वेंचर है या न्यू प्रोडक्ट लॉन्च है या सर्विस लॉन्च है, तो जब आप इस तरह कर लेते हैं तो ये आपको हेल्प आउट करता है न्यू आइडिया जनरेशन में, न्यू प्रोडक्ट इनोवेशन के अंदर आपको हेल्प आउट करता है, और मार्केट और कंज्यूमर ट्रेंड्स को के थ्रू आप जो है आइडिया जनरेशन कर सकते हैं. हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट के थ्रू जो डिपार्टमेंट है, जो आपका मार्केट रिसर्च करता है, जो आपके कस्टमर्स आपके एंड यूजर्स के सर्विस करता है, तो उसके थ्रू जो आपको डिफरेंट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके देता है रिगार्डिंग द मार्केट, रिगार्डिंग द एंड यूजर, रिगार्डिंग योर कंज्यूमर क्लाइंट्स एंड कस्टमर्स, तो वो आपको हेल्प आउट करता है. यू मेक द फोकस ग्रुप्स जो आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प आउट करते हैं, जो आपको आइडिया जनरेशन के ये एक मेथड है जिसके थ्रू आप डिफरेंट आइडियाज को जनरेट कर सकते हैं, आप डिफरेंट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, उस इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करते हैं फ्रॉम ऑल एस्पेक्ट्स, और या अपने जो इम्प्लॉइज हैं, सेल्स हैं, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हैं, डिफरेंट कॉर्पोरेट स्पाइस रखते हैं आप, डिफरेंट कॉर्पोरेट के अंदर आपके जो नोन पर्सन होते हैं वो वहां पे होते हैं, एंड दे विल हेल्प यू, जो उनकी जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन होती है वो आप तक पहुंचाते हैं. सो डिफरेंट टाइप और या डिफरेंट मेथड्स जो हैं वो मार्केट में एप्लीकेबल होते हैं, जिसके थ्रू आप जो है न्यू आइडियाज या न्यू प्रोडक्ट को जो है वो उसका आइडिया जो है वो जनरेट कर सकते हैं. देन लॉट्स ऑफ आइडियाज आर बीइंग जनरेटेड अबाउट द न्यू प्रोडक्ट. आउट ऑफ दीज आइडियाज मेनी आइडियाज आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड. कुछ को सो हमारे पास नंबर ऑफ आइडियाज जो है वो अवेलेबल होते हैं जब हम इतने सारे फोकस ग्रुप एंड मार्केट रिसर्च और इस तरह के डिफरेंट सोर्सेज हैं, उससे जब हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं तो हमारे पास डिफरेंट आइडियाज होते हैं. उन आइडियाज में से फिर हमने जो मोस्ट अपीलिंग आइडिया होता है, जो मोस्ट लाइक बहुत ज्यादा उसको हम ये देख रहे होते हैं कि ये बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होगा, या उसको उसको जब हम उसका उस आइडिया पर्टिकुलर आइडिया का एनालिसिस कर रहे होते हैं, तो हमें उसके रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत प्रॉमिसिंग लग रहे होते हैं, बहुत पॉजिटिव नजर आ रहा होता है, तो फिर हम उस उन आइडियाज में से उस जो बहुत ज्यादा बेहतर आइडिया होता है, जो जिसका प्लान ऑफ एक्शन, जिसको हम मटेरियलाइज कर सकें, जिसको हम एक्चुअल फॉर्म में लेके आ सकें, क्योंकि आइडिया जो है वो आपकी इमेजिनेशन है, वो आपकी क्रिएटिव माइंड थिंकिंग है, वो आपकी इनोवेटिव थिंकिंग है, वो इनटू प्रोडक्ट या इनटू सर्विस कन्वर्ट हो सकता है या नहीं हो सकता. तो हमने इन सब चीजों को इसको एनालाइज करना है, इन सब चीजों को देखना है, इन सब चीजों की इवेल्युएशन करनी है, और फिर एंड रिजल्ट में हमारे पास कोई
प्योर फॉर्म ऑफ आइडिया जिसको हम जो एप्लीकेबल हो सकता है या जिसके ऊपर हम काम कर सकते हैं। आइडिया जनरेशन या उसको ब्रेनस्टॉर्मिंग भी हम कहते हैं ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट या सर्विस और द स्टोर कंसेप्ट एंड आइडिया जनरेशन टेक्निक्स कैन बिगिन व्हेन यू हैव डन योर अपॉर्चुनिटी एनालिसिस। वही बात है कि आपका आपने अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस देख ली। जब स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस की बात करते हैं तो ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की मतलब आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के कंपोनेंट्स हैं जो आपकी इंटरनली आपकी ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करती हैं। और जब हम अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स की बात करते हैं तो वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन से बाहर के कंपोनेंट्स हैं जिनको आप इवेल्युएट करते हैं। तो हम अपॉर्चुनिटी एनालिसिस करते हैं, हम देखते हैं कि हमारी जो मार्केट है, हमारी जो सराउंडिंग है, उसका एनालिसिस करते हैं ताकि हमें जो आइडिया जो हमारे पास डिफरेंट आइडियाज हैं उनको हम बेहतर तरीके से उनका एनालिसिस कर सके। नेक्स्ट है हमारे पास आइडिया स्क्रीनिंग। द ऑब्जेक्ट इज टू एलिमिनेट द अनसाउंड कंसेप्ट प्रायर टू डिवोटिंग रिसोर्सेज टू देम। वही बात है कि हमारे पास जो डिफरेंट नंबर ऑफ आइडियाज जो हमारे पास आए हैं इन डिफरेंट सोर्सेज से या इन डिफरेंट मेथड से, फोकस ग्रुप से या ब्रेनस्टॉर्मिंग से या आपकी प्रॉब्लम इन्वेंट्री एनालिसिस से, तो हमारे पास जितने भी आइडियाज जनरेट हुए हैं उन आइडियाज की हमने अब स्क्रीनिंग कर ली है। हमने देखा है कि इनमें से कौन सा आइडिया जो है वो इतना प्रॉमिसिंग है, इतना उसके अंदर इतनी उस आइडिया के अंदर इतनी पावर है कि वो हमें सक्सेसफुल वेंचर दे सके। तो हमने अब उसकी स्क्रीनिंग करनी है। उनमें से जो हमारे पास अनसाउंड आइडियाज होते हैं उनको हम साइड पे कर लेते हैं या उनको हम ओवरलुक कर लेते हैं, लेकिन जो हमारे पास प्रॉमिसिंग आइडियाज होते हैं हम उनको फर्दर उनका एनालिसिस करते हैं, उनको देखते हैं कि इनके ऊपर हम जो अपनी सारी रिसोर्सेज हैं, हमारी मैन पावर है, हमारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, हमने सारे इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को, इस न्यू प्रोडक्ट को, इस न्यू सर्विस को, इस न्यू वेंचर को हमने कितनी हद तक ये अपीलिंग है हमारे लिए, हमारे बिजनेस के लिए, ताकि हम अपनी सारी रिसोर्सेज इसके अंदर पुट इन कर सके। द स्क्रीनर्स शुड आस्क सेवरल क्वेश्चंस। विल द कंज्यूमर इन द मार्केट बेनिफिट फ्रॉम द प्रोडक्ट। ये जो नया आइडिया, जो पर्टिकुलर आइडिया जिसको हम सिलेक्ट कर रहे हैं, क्या इससे रिलेटेड जो प्रोडक्ट है वो हमारी मार्केट के अंदर हमारी कंज्यूमर्स को, हमारे एंड यूजर्स को बेनिफिट करेगी या नहीं करेगी। व्हाट इज द साइज एंड ग्रोथ फोरकास्ट ऑफ द मार्केट सेगमेंट या टारगेट मार्केट का, कितना उसका साइज क्या है, उसकी ग्रोथ का कितना प्रोबेबिलिटी कितनी है, कितनी ग्रोथ की प्रोबेबिलिटी है। व्हाट इज द करंट एंड एक्सपेक्टेड कंपेटिटिव प्रेशर फॉर द प्रोडक्ट आइडिया। जो हम प्रोडक्ट आइडिया हमने सोचा है या जिसके ऊपर हम प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं, उसकी कितनी कंपटीशन उसको फेस करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, या उसके कितने कंपेटिटर्स ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं या उसके कंपेटिटर्स हो जाएंगे। सो इतनी डिफरेंट वे में कुछ चीजें जो हैं वो अनसर्टन है, वो फ्यूचर ओरिएंटेड है, बट हमने उनको भी हाइपोथेसाइज करना है, उनकी प्रोबेबिलिटीज भी निकालनी है। तो हम ये देखेंगे कि करंट या एक्सपेक्टेड कंपटीशन प्रेशर उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को कितना फेस करना पड़ेगा। व्हाट आर द इंडस्ट्री सेल्स एंड मार्केट ट्रेंड्स द प्रोडक्ट आइडियाज बेस्ड ऑन, कि जो आइडिया हमने सिलेक्ट किया है उसके ऊपर जो प्रोडक्ट होगी उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की इंडस्ट्री के अंदर, उस जिस इंडस्ट्री के में वो प्रोडक्ट लॉन्च हो रही है उसके अंदर उसकी सेल्स कितनी होगी, उसका मार्केट ट्रेंड्स किस तरह जाएंगे। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको हमने ड्यूरिंग स्क्रीनिंग, जब हम आइडिया को सिलेक्ट कर रहे हैं, उसकी स्क्रीनिंग कर रहे हैं, उनको जो हमें अनसाउंड आइडियाज हैं उनको फिल्टर आउट कर रहे हैं, तो या हम ये भी देखते हैं कि ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है ये कितनी फिजिबल है इनटू रियल फॉर्म में, या इसको मटेरियलाइज करना, या इसको टेंजिबल कन्वर्जन के लिए टेक्निकली कितनी फिजिबल है कि इसको हम मैन्युफैक्चर कर सकें। विल द प्रोडक्ट बी प्रॉफिटेबल व्हेन मैन्युफैक्चर्ड एंड डिलीवर्ड टू द कस्टमर्स एट द टारगेट प्लेस, के जब हम इस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर लेंगे, इसको इसके एंड यूजर तक, इसके टारगेट कस्टमर तक पहुंचा लेंगे, तो कितनी ये प्रॉफिटेबल होगी हमारे बिजनेस के लिए, हमारे वेंचर के लिए। तो ये डिफरेंट स्टेप्स हैं जब हम आइडियाज को स्क्रीन आउट कर रहे होते हैं, जब हम चूज कर रहे होते हैं कि जो बेस्ट आइडिया हो उसको सिलेक्ट करना है।
Then comes the concept development and testing. Concept development or testing के अंदर develop the marketing and engineering details. कि जो market related जो product की market से related जो जितनी भी develop होगी वो हम इस पर्टिकुलर स्टेज के अंदर देखते हैं. इन्वेस्टिगेट द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इश्यूज एंड सर्च द पेटेंट डेटा बेसिस. हम ये देखते हैं कि ये इस प्रोडक्ट की जो ब्रांड नेम है उसके ऊपर ऑलरेडी कोई पेटेंट नहीं है, कोई ट्रेडमार्क नहीं है. सो इस तरह की चीजें जो है वो हम इसमें इस पर्टिकुलर स्टेज के अंदर देख रहे होते हैं. हु इज द टारगेट मार्केट, किसको हम, किस पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल को या मार्केट को हम या कंज्यूमर्स को हम टारगेट कर रहे हैं. एंड हु इज द डिसीजन मेकर इन द परचेजिंग प्रोसेस, और कौन इस प्रोडक्ट को परचेज करने के में हु इज द डिसीजन मेकर. कि हम इस पर्टिकुलर टारगेट मार्केट को, वेदर ये प्रोडक्ट जो है किसी बच्चों के लिए है या यंगस्टर के लिए है या ओल्ड एज के लिए है, मेल के लिए है, फीमेल के लिए है, जनरल पब्लिक के लिए है, और फॉर ऑल जिनके जिनमें हम जो है वो पुअर और रिच की सेग्रीगेशन नहीं करते, तो जनरल पब्लिक के लिए सब इसको यूज कर सकते हैं. तो हमने अपनी टारगेट मार्केट को सिलेक्ट करना है कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को कौन यूज करेगा. देन कम्स द व्हाट प्रोडक्ट फीचर मस्ट द प्रोडक्ट इनकॉर्पोरेट, कि कौन सी ऐसी फीचर्स हैं जो इस प्रोडक्ट के अंदर मस्ट होने चाहिए. ये प्रोडक्ट जो है कितना बेनिफिट करेगी कंज्यूमर को, या ये इस प्रोडक्ट के ऊपर कंज्यूमर जो है वो कैसे रिएक्ट करेगा. हाउ द प्रोडक्ट बी प्रोड्यूस्ड मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिवली, किस तरह हम कम से कम कॉस्ट के अंदर इस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर सकते हैं. उसमें आपके लो कॉस्ट लेबर आ जाता है, उसके रॉ मटेरियल का जो सप्लाई है उसमें आप कॉस्ट इफेक्टिव टेक्निक अप्लाई कर सकते हैं. सो डिफरेंट जो प्रोडक्ट की प्राइस, उसकी कॉस्ट, उसकी मार्केटिंग से रिलेटेड जितनी भी फीचर्स हैं, जितनी भी करेक्टरिस्टिक प्रोडक्ट के साथ इन्वॉल्व होती हैं, वो सब कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट और टेस्टिंग के अंदर है. प्रूव द फिजिबिलिटी थ्रू द वर्चुअल कंप्यूटर एडेड रेंडरिंग एंड रैपिड प्रोटोटाइपिंग, के आपने अपनी प्रोडक्ट की उसकी फिजिबिलिटी देख लेते हैं, थ्रू सॉफ्टवेयर देख लेते हैं, उसके आप 3D करके देख लेते हैं, कोई आपके इस तरह के प्रोजेक्ट होते हैं कि आप कितने वो फिजिबल हैं. देन वट विल इट कॉस्ट टू प्रोड्यूस इट, इसकी इतनी कितनी कॉस्ट आएगी और किस तरह इसको कॉस्ट इफेक्टिव कर सकते हैं. टेस्टिंग द कंसेप्ट बाई आस्किंग अ सैंपल ऑफ प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स वट दे थिंक ऑफ द आइडिया यूजली बाय द चॉइस मॉडलिंग. तो इसमें ये होता है कि आप अपने जो कंज्यूमर्स हैं, जो एंड यूजर्स हैं, उनसे अपने इस कॉन्सेप्ट को, जो आपने आइडिया सिलेक्ट कर लिया आइडिया स्क्रीनिंग के बाद, तो उसके ऊपर आप कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट कर रहे हैं. तो आप अपने डायरेक्ट उन कस्टमर्स के साथ, उन कंज्यूमर्स के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं. आप उनसे इसके बारे में पूछ सकते हैं या उनसे अपने इस आइडिया को शेयर कर सकते हैं. नेक्स्ट हम योर फोर्थ स्टेज में हम ये देखते हैं कि बिजनेस एनालिसिस करते हैं आप अपनी प्रोडक्ट का. आपने प्रोडक्ट आइडिया जनरेट कर लिया, उसकी स्क्रीनिंग कर ली, आपने ये देख लिया कि वो आइडिया कितनी हद तक उसको आप मटेरियलाइज कर सकते हैं. देन आपने उसकी कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट कर ली, आपने जो आपके एंड यूजर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, उनके साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन में उसका फीडबैक ले लिया. देन कम्स द बिजनेस एनालिसिस, कि जिसमें आप एस्टिमेट करते हैं कि जो आपकी सेलिंग प्राइस है, जो आपने पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट लॉन्च करनी है उसकी आप क्या प्राइस रखेंगे, इनिशियल प्राइस क्या रखेंगे, और आपका मार्केट के अंदर कंपटीशन कितना है, जो आपके कंपेटिटर्स हैं उनकी जो प्रोडक्ट हैं, जो आपके और उनकी प्रोडक्ट की प्राइसेस क्या हैं, आपकी प्रोडक्ट की प्राइस अकॉर्डिंगली फिर आप रखेंगे. फिर आप जो आपके एंड यूजर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, उनका कस्टमर्स का फीडबैक लेंगे उसके ऊपर, क्योंकि आपका बिजनेस एनालिसिस के पार्ट्स हैं. देन कम्स के आप ये देखेंगे, इसको इस चीज की एनालिसिस करेंगे, इसकी वैल्यूएशन करेंगे कि आपकी जो मार्केट है, जो साइज ऑफ द मार्केट है, उसमें आपने कितना अपनी जो प्रोडक्ट है उसका सेल्स वॉल्यूम कितना होगा, अपनी कितनी उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कितनी करनी है, कितनी नंबर ऑफ क्वांटिटीज आपने क्या प्रोडक्ट जो है वो कितनी उस मार्केट में देनी है, उसका सेल वॉल्यूम जो है उसको ऑब्जर्व करना है, उसको इवेल्युएट करना है. देन कम्स आपका एस्टिमेट प्रॉफिटेबिलिटी या ब्रेक इवन क्या है,
ब्रेक इवन ये होता है कि आपकी कॉस्ट है, आपकी प्राइस जो है नो लॉस नो प्रॉफिट, वो आपका ब्रेक इवन होता है। और जो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी है, जब आपकी कॉस्ट से आपका अर्निंग जो है वो ज्यादा हो जाती है तो वो आपके प्रॉफिट्स के अंदर आती है। तो आपने ये एस्टिमेट करना है कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो कितनी है। तो ये सारे बिजनेस एनालिसिस के पार्ट्स हैं। द फिफ्थ स्टेज में हम देखते हैं कि बीटा टेस्टिंग या मार्केट टेस्टिंग। बीटा टेस्टिंग ये होता है कि आप जो है, प्री टेस्टिंग भी आप इसको कह सकते हैं, कि आप अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करने या अपनी सर्विस को एक टेस्ट ग्रुप के ऊपर आप अपनी प्रोडक्ट जो है वो उसको प्री लॉन्चिंग करें उसकी, और चेक करें कि उस प्रोडक्ट का फीडबैक क्या आता है। तो आपको उस प्रोडक्ट क्या सजेशंस मिलेंगी या आपको उस प्रोडक्ट के ऊपर जो है वो फीडबैक मिलेगा। तो वो एक तरह से आपकी जो प्रोडक्ट है वो उसकी मार्केट टेस्टिंग हो जाएगी, कि अगर आप लॉन्च करते हैं अपनी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को तो उसका ये वो कितनी हद तक मार्केट उसको एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी, और उसका फीडबैक क्या होगा। इसकी हम एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ने अपना ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया, तो उन्होंने एक पर्टिकुलर कोई विंडो लॉन्च करनी थी, तो उन्होंने एक पर्टिकुलर कंपनी में अपनी विंडो जो है वो लॉन्च की, और बिफोर ऑफिशियली जो उन्होंने लॉन्च करनी थी उससे पहले उन्होंने एक टेस्ट लॉन्च की अपनी विंडो का, और फिर उन्होंने उसका उस ऑर्गेनाइजेशन से उसका फीडबैक लिया, और उस फीडबैक की बेस के ऊपर उन्होंने कोई चेंजेस करनी हो या वो एज इट इज ऑफिशियली लॉन्च करनी हो, तो वो उन्होंने फिर उस प्री टेस्टिंग का मकसद ही ये होता है कि आपको इमीडिएट फीडबैक मिल जाता है आपकी प्रोडक्ट के बारे में, तो उसको हम बीटा टेस्टिंग कहते हैं या मार्केट टेस्टिंग कहते हैं। प्रोड्यूस अ फिजिकल प्रोटोटाइप और मॉकअप एंड टेस्ट द प्रोडक्ट एंड इट्स पैकेजिंग, उसकी पैकेजिंग के ऊपर या उसको टिपिकल उसको किस हद तक यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स घर में यूज करते हैं तो उनकी डिफरेंट साइजेस होते हैं पैकेजिंग के भी। कुछ बड़ी बॉटल्स होती हैं, देन मीडियम, देन स्मॉल, देन इवन साशेज में भी आपको सेम प्रोडक्ट मिलती है। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी मार्केट एनालिसिस जो है वो कितना बेहतर है, ताकि आपको पता चले कि आपकी जो कंज्यूमर्स हैं वो इसको बड़ी पैकिंग में यूज करेंगे या मीडियम में या स्मॉल में या इवन साशेज में, तो आप उसके हिसाब से फिर अपनी प्रोडक्ट पैकेजिंग जो है वो करते हैं। और उसी तरह आप अपनी पैकेजिंग को टेस्ट भी कर सकते हैं, लार्ज पैकेजिंग हो उसको भी टेस्ट कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं जिसमें आपको ये आइडिया होता है कि आपकी प्रोडक्ट जो है किस पैकेजिंग में ज्यादा अच्छी सेल हो रही है, लार्ज में या स्मॉल में या इवन साशेज में। देन कम्स द कंडक्ट द फोकस ग्रुप कस्टमर इंटरव्यूज आप कंडक्ट करते हैं। हमने फोकस ग्रुप की बात की थी कि आपको डिफरेंट इन्फॉर्मेशन वो ला के देते हैं, चाहे वो ओपन एंडेड हो, आपको डिफरेंट कस्टमर्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उनसे फीडबैक लेते हैं, उनसे पूछते हैं, एंड देन यू सिट इन अ रूम या अपनी ग्रुप को, आप ग्रुप मेंबर्स, एक मॉडरेटर होता है जो सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, उसके ऊपर आप डिस्कशन करते हैं, और फिर वो हेल्प आउट होता है आपको उस प्रोडक्ट के अंदर डेवलपमेंट में। देन मेक एडजस्टमेंट वेयर नेसेसरी, क्या आप उसने अपने उस प्रोडक्ट के अंदर क्या कोई चेंजेस करनी है, कोई उसके अंदर डेवलपमेंट करनी है, तो अकॉर्डिंगली फिर आपके जो फीडबैक होते हैं उसके बेस के ऊपर आप उसके अंदर चेंजेस करते हैं। प्रोड्यूस एंड इनिशियल रन ऑफ द प्रोडक्ट, वही बात है कि आपने एक इनिशियल टेस्ट करना है अपनी प्रोडक्ट का, एंड सेल इट इन द टेस्ट मार्केट एरिया टू डिटरमिन द कस्टमर एक्सेप्टेंस, कि आप ये देखते हैं कि उसको किस हद तक आपकी प्रोडक्ट की एक्सेप्टेंस है या आपकी सर्विसेज की एक्सेप्टेंस है मार्केट में। द सिक्स स्टेज जो है इसमें है वो टेक्निकल इम्प्लीमेंटेशन। टेक्निकल इम्प्लीमेंटेशन थोड़ी टेक्निकल साइड पे आपकी जो प्रोग्रामिंग है, कोई सॉफ्टवेयर हैं, कोई मशीनरी है, कुछ टेक्निकल जितने भी सॉर्ट ऑफ काम होते हैं वो सारे इस स्टेज के अंदर हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, न्यू प्रोग्राम इनिशिएशन, आपने कोई न्यू प्रोग्राम कोई सॉफ्टवेयर कुछ कुछ लॉन्च करना है या कुछ आपने हार्डवेयर इंस्टॉल करना है। देन कम्स द डिपार्टमेंट रीशेड्यूलिंग, आपने डिपार्टमेंट को रीशेड्यूल कर किया है। फाइनलाइज द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, आप क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर इम्प्रोवाइजेशन लेके आ सकते हैं, उसको इनोवेट कर सकते हैं, उसके अंदर चेंजेस लेके आते हैं। देन सप्लायर्स कोलैबोरेशन, आप ये देखते हैं कि किन किन सप्लायर्स के साथ आपका
कोलैबोरेशन होगा इन दिस पर्टिकुलर वेंचर या इस प्रोडक्ट लॉन्च के अंदर, तो आप उन सप्लायर्स को साथ लेके उनके साथ कमिटेड होते हैं, उनके साथ लेके चलते हैं। देन रिसोर्सेज एस्टिमेशन, कि आप ये देखते हैं कि आपको ह्यूमन रिसोर्सेज कितनी चाहिए, नेचुरल रिसोर्सेज या इकोनॉमिक रिसोर्सेज कौन कौन सी चाहिए, फाइनेंशियल रिसोर्सेज का अरेंजमेंट कैसे होगा, कहाँ से होगा, उनकी आप प्लानिंग करते हैं, वो सारी जितनी भी उसकी रिक्वायरमेंट होती है उसको आप उसका एनालिसिस करते हैं और उसको अकॉर्डिंगली उसका एस्टिमेशन लगाते हैं कि कितना हमें चाहिए और शॉर्ट टर्म में कितना चाहिए, लॉन्ग टर्म में कितना चाहिए। देन कम्स द लॉजिस्टिक प्लान, कि अगर आपकी प्रोडक्ट्स रेडी हो जाती हैं फैक्ट्री के अंदर, देन हु विल डिलीवर इट, कहाँ से आपको रॉ मटेरियल कौन डिलीवर करेगा, आपके सप्लायर्स कौन होंगे, आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स कौन होंगे, कौन आपकी प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर लेके जाएगा, तो वो लॉजिस्टिक प्लान के अंदर आ जाती है। अगर आपका रॉ मटेरियल जो है, कुछ आप चीजें इम्पोर्ट कर रहे हैं एज अ रॉ मटेरियल, तो वो आपके लॉजिस्टिक्स के अंदर आ जाते हैं। देन कम्स रिक्वायरमेंट पब्लिकेशन, के आपकी जो अपने जो अपने टेंडर इशू करते हैं आप, आपको जो जो चीजें रिक्वायर्ड होती हैं उनके बारे में आप न्यूज़पेपर में देते हैं, तो इस तरह की डिफरेंट जो चीजें हैं एक वेंचर को सेटअप करने के लिए, एक बिजनेस को स्टार्टअप करने के लिए, वो सारे इस टेक्निकल इम्प्लीमेंटेशन के अंदर आते हैं। रिसोर्स प्लान पब्लिकेशन, के जो रिसोर्सेज आपको चाहिए होते हैं उसके बारे में, पब्लिश द टेक्निकल कम्युनिकेशन सच एज द डाटा शीट्स वगैरह, देन प्रोग्राम रिव्यू एंड मॉनिटरिंग, देन इंजीनियरिंग ऑपरेशन एंड प्लानिंग, एंड देन कंटिजेंसी इफ द प्लानिंग फेल्स, अगर आपका एक कोई प्रोजेक्ट फेल हो जाता है तो उसका कंटिजेंट आपने क्या रखा हुआ है, कंटिजेंसी प्लान क्या रखा हुआ है, कि इफ दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट फेल्स देन व्हाट, इफ दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट फेल्स देन उसका कंटिजेंसी प्लान क्या है। तो ये डिफरेंट टेक्निकली टेक्निकल जितने भी एस्पेक्ट्स हैं ऑफ बिजनेस, वो जो है वो टेक्निकल इम्प्लीमेंटेशन में फॉल करते हैं। देन द सेवंथ वन इज कमर्शलाइजेशन। ऑब्वियसली इस नाम से ही इसका आइडिया हो जाता है कि आपकी जो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो गई है तो अब उसकी कमर्शलाइजेशन करनी है, उसने अपने उस प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर लॉन्च करना है, आप उसको एडवर्टाइज करना है, प्रोडक्ट को मार्केट करना है, तो उससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे कमर्शलाइजेशन के अंदर आते हैं। फॉर एग्जांपल आपने लॉन्च करनी है प्रोडक्ट, प्रोड्यूस एंड प्लेस द एडवर्टाइजमेंट, कहाँ कहाँ पे आपने उसकी प्रमोशन करनी है, मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, सोशल मीडिया में, या आपने उसकी पॉम्पलेट्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, फिल द डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइन विद द प्रोडक्ट, कि जो आपने डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनके साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट्स करने हैं, कोलैबोरेट करना है, ताकि वो आपकी प्रोडक्ट को रिटेलर्स तक, डिफरेंट स्टोर्स तक, डिफरेंट मॉल्स तक वो उसको लेके जाएं, तो उसको अपने डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइन को जो है उसको उसके साथ कोलैबोरेट करना है। देन द क्रिटिकल पाथ एनालिसिस इज द मोस्ट यूजफुल एट दिस स्टेज, कि जिसमें हम ये देखते हैं कि पर्टिकुलर प्रोजेक्ट या प्रोडक्ट को जो हमने लॉन्च करना है या प्रोजेक्ट के अंदर उसको कंप्लीट किया है तो कौन कौन से टास्क, कौन कौन सी एक्टिविटीज इन्वॉल्व थी और वो कितने टाइम किया था, वो कितनी हद तक वो कंप्लीट हुई है, वो टास्क कंप्लीट हुए हैं उस प्रोडक्ट लॉन्च तक, या उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में वो एक्टिविटीज जो है वो कंप्लीट हुई है और कितने टाइम में कंप्लीट हुई है, कितनी रिसोर्सेज उसको यूटिलाइज हुई है उसके अंदर। सो ये इन सब चीजों का एनालिसिस जो है वो कमर्शलाइजेशन के अंदर आ जाता है। देन कम्स द न्यू प्रोडक्ट प्राइसिंग, इम्पैक्ट ऑफ न्यू प्रोडक्ट ऑन द एंटायर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, कि आपने ऑब्वियसली आप जब अगर कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं तो आपकी जो बाकी जो अगर आप इफ यू आर ऑलरेडी इन्वॉल्विंग इन अदर प्रोडक्ट लाइन्स के अंदर, तो आपकी उस नई प्रोडक्ट की प्राइस का आपकी बाकी जो प्रोडक्ट लाइन्स हैं उसके ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट होगा। तो आप जब प्राइसिंग कर रहे होते हैं तो फिर जब पर्टिकुलर प्रोडक्ट नई प्रोडक्ट की प्राइसिंग कर रहे होते हैं तो आपने इन चीजों का ध्यान भी रखना है कि आपकी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के अंदर उसका क्या इम्पैक्ट होगा। आपने ये ध्यान भी रखना है कि आपके कंपेटिटर्स की जो प्रोडक्ट प्राइस है उसके साथ आपने कंपैरिजन करना है। आप जो प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं मार्केट में जो ऑलरेडी प्रोडक्ट्स उस तरह की एग्जिस्ट कर रही हैं, जो सब्स्टिट्यूट्स हैं, जो अल्टरनेटिव्स हैं, तो उनकी प्रोडक्ट की प्राइस क्या है, तो प्रोडक्ट प्राइसिंग में ये सारे एस्पेक्ट्स को आपने देखना होता है। देन कम्स द वैल्यू एनालिसिस,
अपने अपनी जो प्रोडक्ट का इंटरनल एक्सटर्नल उसका वैल्यू एनालिसिस करना है, इंटरनली उसके आपके कॉस्ट के साथ इन्वॉल्वमेंट होता है, एक्सटर्नली आपने उसको मार्केट और कंपेटिटर्स की प्राइस और उसके साथ आपने उसका वैल्यू एनालिसिस करना है। देन कम्स कंपटीशन एंड अल्टरनेटिव कंपेटिटिव टेक्नोलॉजीज, आपने ये देखना है कि मार्केट के अंदर जो आपका कंपटीशन है, जो आपके कंपेटिटर्स हैं, वो किस तरह की प्रोडक्ट क्वालिटी है उनकी, उनकी प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है, उनकी प्रोडक्ट की जो वो टेक्नोलॉजीज यूज कर रहे हैं वो कैसी हैं, तो आपने उन चीजों का भी उन एस्पेक्ट्स का भी, उन सारे फैक्टर्स को भी देखना होता है। डिफरिंग वैल्यू सेगमेंट, प्राइस, वैल्यू एंड नीड, कि आपने जो आपने अपनी प्रोडक्ट की जो अपनी उसकी वैल्यू है, जो उसकी क्वालिटी है, अकॉर्डिंगली उसकी प्राइस है या नहीं है, और फिर अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द कंज्यूमर, कि कंज्यूमर की नीड ऐसी है कि उसको वो चीज मतलब अगर वो नहीं वो चीज आपकी प्रोडक्ट लेगा तो इट्स ओके फॉर हिम, तो इन दैट केस आपने अपनी प्रोडक्ट की प्राइस और उसकी क्वालिटी को मैच करना है कि आया वो जो आप प्रोडक्ट है, पर्टिकुलर प्रोडक्ट आप लॉन्च कर रहे हो, वो उसकी नीड को किस हद तक या उसको किस हद तक वो जरूरत है वो चीज आपका जो कंज्यूमर है, तो वो इन चीजों में आपने फिर प्राइस को अकॉर्डिंगली जो है वो रखना होता है। देन कम्स द प्रोडक्ट कॉस्ट, क्या है फिक्स कॉस्ट कितनी है, उसकी वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, और जब आप प्राइसिंग कर रहे होते हैं तो आपने ऑब्वियसली उसकी कॉस्ट के साथ आप प्राइस को से कॉस्ट से ज्यादा आपकी प्राइस होती है, तभी आपको प्रॉफिट जो है वो होता है। तो आपने अपनी प्रोडक्ट कॉस्ट देखते हैं, उसकी क्वालिटी देखते हैं, फिर जो आपकी एंड यूजर है उसकी रिक्वायरमेंट देखते हैं, तो अकॉर्डिंगली फिर आप प्राइस सेट करते हैं। देन कम्स द फोरकास्ट ऑफ द यूनिट वॉल्यूम्स के और रेवेन्यू एंड प्रॉफिट, कि आपका जो जो प्रोडक्ट का यूनिट वॉल्यूम्स के हिसाब से अपने रेवेन्यू देखते हैं और अपने जो है वो प्रॉफिट्स देखते हैं अपनी प्रोडक्ट के। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज लेक्चर। योर क्वेश्चंस एंड क्वेरीज आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू।